मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सभी प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब भगवान विष्णु ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुरा कर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया और चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया हम इस वीडियो में जानेंगे। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, सुबह का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, हे राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा सा जीव भी मुझे मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न होती। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है, मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ गया है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। उसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर नदी से समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य की बात यह है कि समुद्र में भी मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि वह मछली के रहने के लिए छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, हे राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, हे राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से सातवें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर आएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं दिखेगा। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। सातवें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वह जीते जी ही जीवन से मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद पुनः दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का अमित कल्याण भी किया। जय श्री हरि कृष्ण।